अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए इसकी पूरी साजिश। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट में डाला था फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से, उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। यह क्या मजाक है, यह क्या झूठी जांच है, यह क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है, यह क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यह क्यों अरविंद केजरीवाल से डर कर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करो। एक झूठी जांच चलाकर, एक बेबुनियाद जांच चलाकर, एक आधारहीन जांच चलाकर सबको फंसाओ, सबको जेल में डालो। मैंने पहले दिन से कहा था, पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आप अपने इस झूठ में सफल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि के साथ, अपनी योग्यता और क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपनी सरकार चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे। आपके इन प्रयासों से रुकने वाले नहीं।